FA2 BPB एग्जाम पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.1। अच्छा दी आंसर बताएं इसका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जी ए आंसर है, डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने इसकी, डेप्रिसिएशन क्या था, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ए आंसर होगा। ठीक ठीक है, 10.1 ए, 10.2 एक्सप्लेन करें ना सर, डेफिनेशन पढ़े, पहले पेज पे लिखवाई थी डेफिनेशन मैंने, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसमें क्या एसेट डिस्पोज हो रहे हैं, लॉस गेन कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10.2 लॉस गेन की कैलकुलेशन क्या होती है, कॉस्ट कितनी है 14,900, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 8,940, माइनस करेंगे आ रहा है नेट बुक वैल्यू 5,960, से माइनस करेंगे आप सेल प्रोसीड्स, सेल कितने में किया 7,455, आपके पास लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल 1,495 माइनस में। गेन ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन डिस्पोजल, बुक वैल्यू कम है, सेल प्रोसीड ज्यादा है, जीरो कितना लगा दिया, 7,455। अब डिफरेंस निकालें, 1,495 माइनस 1,495 हो जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। हैंडआउट का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ए आंसर है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। 10.4 मशीन परचेज इन जनवरी फॉर 64, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, डेप्रिसिएशन चार्ज 50% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा पॉलिसी क्या, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कंपनी ईयर एंड December 31, मशीन वाज सोल्ड ऑन April 2000 बाय 04/2500। अच्छा पहले तो ये बताएं ये मशीन परचेज कब की, January 2006 है, ठीक है, और सेल हो रही है 2000/0 में, तो इस तरह देखें ये X6, उसके बाद होगा क्या देता है X7, X8, X9, और फिर Y0, X10 नहीं होगा, Y0 हो जाएगा, फिर 9 के बाद फिर 0, फिर 1, 2, 3 आएगा ना, ठीक है, तो 7, 8, 9 तीन साल हो गए और चौथे साल में सेल हो रहा है, इसका मतलब नहीं बल्कि 6 है ना, पूरा जनवरी में खरीदा है, दिसंबर एंड है, 6, 7, 8, 9, 4 इयर्स हो गए,
और फिफ्थ ईयर के अप्रैल में सेल हो रहा है, ठीक है। तो काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो वाई जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 6, 7, 8, 9 फोर ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो पर ईयर कितना आएगा, चाहिए है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये पहला साल होगा, यहाँ लिख देता मैं 20X6। अच्छा ये पहले एक डिटेल में कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका, इससे आप कैलकुलेटर पे ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा कॉस्ट कितनी है, 64,000 पहले साल के एक्यूमुलेटेड, ये ले जाओ। आईसाइट लगता काफी वीक हो गई, हाँ उम्र हो गई बिल्कुल। ओके कितना आ रहा है, 32,000, ठीक है। 20X7 क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट तो वही रहेगी, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा आपका 32,000, ठीक है। 32,000 का 50% 16,000 आ जाएगा, ठीक है। 20X8 कॉपी पेस्ट करते हैं, एक्यूमुलेटेड कितना बन रहा है, 48, 32 + 16 48,000, ठीक। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, 8,000, ठीक है। अब 20X9 एक्यूमुलेटेड बन जाएगा कितना, 56,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आ गया 4,000। अच्छा अब इसका लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, बाकी कैलकुलेट शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में। कॉस्ट कितनी एसेट की, 64,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, नेट बुक वैल्यू आ गई 4,000, और डिस्पोज कितने में किया, 2,000, सेल प्रोसीड 2,500, तो माइन आंसर आएगा 1,500 लॉस, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन होगी इसकी, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस गेन हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर हो जाएगा डी। 2 मिनट में क्वेश्चन में इतना टाइम, ये बताएं जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट, यहाँ के 2 मिनट बच गए उसमें ऐड कर लें, पेपर आपका बैलेंस हो जाता है। कहीं पे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वहां टाइम ज्यादा लगेगा, जो शॉर्ट होंगे टाइम सेव होगा, तो आपका एवरेज वही रहता है अब तक, तो इस तरह होता है। मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने स्टूडेंट ने ये कंप्लेन की हो कि टाइम कम था पेपर लेंथी था, ऐसा नहीं, टाइम बचता। अच्छा अच्छा अब इसका वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट बता दे। देखिए एक तरीका तो ये शॉर्ट बता देता हूँ कि शॉर्टकट क्या होगा, ठीक है। पहले शॉर्ट और उसके बाद फिर शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन। देखिए पहले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया फर्स्ट ईयर का, तो इसमें डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं 64,000 का 50% 32 आ गया, तो बल्कि 1 मिनट, हाँ इसमें ये इसके नीचे आ जाएगा 30 हो गया, ठीक है। लिखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 64, ठीक है। इसमें से ईयर वन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आप, नेट बुक वैल्यू आ गई कितनी, 32। अब ईयर टू का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसमें आप क्या करेंगे, 32,000 का आप 50% दे देंगे ना, अच्छा कितना हो गया,
इसके बाद अब आपको वो एक्यूमुलेटेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। 16,000 का मैंने 10 लिख दिया, 10% आएगा ना, 50%। ये कितना बनेगा? 8,000। बल्कि इधर इसकी बुक वैल्यू लेते हैं ना, बुक वैल्यू क्या आएगी? 16। अच्छा ये कंफ्यूज कर रहा है, सही है जी। 16,000 का 50% बुक वैल्यू क्या रह जाएगी? 8। अब फिर इसका कितने साल हो गए? 8,000 का 50% कितना आ गया? 4,000। ठीक है, अच्छा अब आप जरा ना कैलकुलेटर डालें हाथ में जरा। अबे आपके चक्कर में ये शॉर्टकट रिकॉर्ड ही नहीं। खैर है, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं। चलें, आप लोगों की किस्मत खाना। क्वेश्चन नंबर 10.5। गुजर गया। 10.5। अच्छा ये नॉन करंट एसेट रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया? फर्स्ट, नॉन करंट एसेट रजिस्टर शोज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 2,71,200। हाउएवर इट्स नॉन करंट एसेट अकाउंट इन जर्नल लेजर शोज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 2,51,200। अच्छा अब दोनों के बैलेंस डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, 20,000 का डिफरेंस है। अच्छा अब रीजन बता रहा है, फिल्स हैज डिस्कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन द टू हैज अराइजन बिकॉज ही हैज नॉट रिमूव और डिस्पोज द एसेट फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, अच्छा रीजन भी बता दी उसने कि एक एसेट उसने डिस्पोज किया जो अपने रजिस्टर से रिमूव करना भूल गया। सही है। अच्छा देखिए, इसीलिए रजिस्टर का बैलेंस ज्यादा है 271,000, लेजर का बैलेंस कम आ रहा है 251,000। ठीक है राइट, तो हमें सिर्फ करना क्या है, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर डिस्पोजल प्रोसीड्स एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द डिस्पोज्ड एसेट नॉट रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। अब ये बताना है, तो अगर हम देखें यहां से इसको रिमूव कर देंगे तो दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे ना, राइट। अब हमने वो ऑप्शन देखना है कि जिसे यहां से माइनस करने पर दोनों बैलेंस सेम हो जाए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गिवन के आपको इसमें यह नेटबुक वैल्यू दी गई ना, नेटबुक वैल्यू, नेटबुक वैल्यू इसको पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा यहां लिखते हैं कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास नेटबुक वैल्यू आती है ना, ऐसे ही है। अच्छा पहले एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज कर नहीं, हमारे पास बैलेंस है एसेट्स का 1,00,000 और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, तो इस वक्त नेटबुक वैल्यू क्या होगी? 70,000। ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हमने एक एसेट डिस्पोज किया, डिस्पोजल, एक एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 20,000 और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000, इसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी? 14। अब आपके पास बैलेंस क्या बचेगा? कॉस्ट का बैलेंस आएगा 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 24, नेटबुक वैल्यू का बैलेंस 56,000। ऐसे ही होगा कौन दोनों माइनस में? हाँ हाँ कौन दोनों? नहीं नहीं ये तो मैं माइनस प्लस नहीं कर रहा, ऐसे देखें, देखिए ये एसेट कॉस्ट ही हमारी टोटल कॉस्ट, एक एसेट डिस्पोज किया जिसकी कॉस्ट थी 20,000, रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट 80, ये इस तरह है, एक्यूमुलेटेड था टोटल 30, एसेट डिस्पोज हुआ वो माइनस कर देंगे ना, तो रिमेनिंग 24। ये बुक वैल्यू थे हमारे एसेट्स की। अच्छा जो हमने एसेट डिस्पोज किया उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 14, तो अब रिमेनिंग बुक वैल्यू
56 इस तरह से है। हाँ ये जो एसिड डिस्पोज का ये उसका एक्यूमुलेटेड है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस की तो रिमेनिंग एसिड की कॉस्ट आ गई, एक्यूमुलेटेड से हमने डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड माइनस किया तो रिमेनिंग एसिड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, बुक वैल्यू से हमने डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस की तो रिमेनिंग एसिड की बुक वैल्यू आ गई। पॉइंट यहां पर क्या है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी, एक्यूमुलेटेड से एक्यूमुलेटेड माइनस होगा, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर नेट बुक वैल्यू दी हुई है ना, तो रीजन बता दिए कि जो रजिस्टर का बैलेंस है इसमें से हमने डिस्पोज एसेट को माइनस नहीं किया, यहां पे हम लिख लेते हैं नेट बुक वैल्यू, ये है एज पर रजिस्टर। ठीक है, बैलेंस एज पर रजिस्टर, एसेट हमने डिस्पोज किया है डिस्पोजल, तो इसमें से अब डिस्पोजल वाले एसेट की बुक वैल्यू हमें लेस करनी है, रिमेनिंग एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, ऑप्शन ए में बताएं नेट बुक वैल्यू क्या होगी, इसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी, थर्टी थाउजेंड का सेल करने पर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 होगी ना, कम होगी, 30,000 का सेल करने पर 10,000 का प्रॉफिट है, मीन्स 20,000 इसकी बुक वैल्यू है, तो यहां से 20,000 माइनस करेंगे बैलेंस क्या बचेगा, 51,200, और ये देखें दोनों बैलेंस सेम हो गए, तो आंसर तो हो गया ए, ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी भी चेक कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जब बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक करते हैं। अच्छा ऑप्शन ही यहां लिख लेता हूं अलग से। ठीक है, अब ऑप्शन बी में देखें नेट बुक वैल्यू दी हुई है इसने 10,000, तो डायरेक्ट 10,000 माइनस करते हैं तो 61,200 इक्वल नहीं आ रहे, बी आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी में बताएं नेट बुक वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन सी में नेट बुक वैल्यू 40,000, तो अब यहां से 40,000 माइनस करेंगे तो ये 231,200 इक्वल नहीं आ रहा, तो सी आंसर नहीं हुआ। डी में नेट बुक वैल्यू गिवन है 10,000, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे दोनों बैलेंस इक्वल हो गए, करेक्ट आंसर ए हो जाए। ठीक, मांगने वाली है ये, ओके क्लियर। अब इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, क्या रखना है कि कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस होगी, एक्यूमुलेटेड से एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखते हैं। ओके सर, कॉपी कर रहे क्वेश्चन नंबर 10.6 तो जिसमें क्या गिवन है, कॉस्ट है आपकी 168,500 आपका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, पॉलिसी क्या है इसकी, चार्ज ऑन इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 25 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन निकालना है कहां, वो एक्यूमुलेटेड है, कॉस्ट कितनी है 1,68,500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 66,500, परसेंटेज 25, आंसर बताएं, आंसर नहीं, 375 चेक कर लें। सी आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लें तो कुछ सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा, फर्स्ट ईयर ही नहीं, ये क्या लिखा हुआ है,
ये उसका एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये पहला साल नहीं है, ये पुराना एसेट चल रहा है, तभी एक्यूमुलेटेड आ रहा है ना 66,500, अदरवाइज एक्यूमुलेटेड क्या होता है, जीरो देता वो, सही। तो ये न्यू एसेट नहीं है, पुराना एसेट है, उसका निकाल रहा है। 10.7 इसके बाद ब्रेक लेंगे, 10.7 10.7 सॉल्व करें आप लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया है, अच्छा 30% से डेप्रिशिएट होगा तो बुक वैल्यू 70% बचेगी ना, तो इसका डायरेक्ट 70% कैलकुलेट करते हैं, और 70% को आप 0.7 लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो स्ट्रेट लाइन है माइनस, ये ईयर टू क्या की बुक वैल्यू आ गई, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर थ्री की बुक वैल्यू आ गई, अच्छा ड्यूरिंग ईयर फोर सोल्ड हो रहा है और डिस्पोजल वाले ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना हमें, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर की बुक वैल्यू आ गई, अब इसमें से सेल प्रोसीड माइनस करते हैं, 87 लॉस है, ठीक है, रिपीट कर देता हूं समझ लें, 9000 कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन का रेट है 30%, 30% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बुक वैल्यू बचेगी 70%, तो डायरेक्ट इसका 70% यानी कि 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, ईयर वन की बुक वैल्यू आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, ईयर टू की बुक वैल्यू आ गई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो ईयर थ्री की बुक वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब इसमें से सेल प्रोसीड माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास गेन आ गया 87 जी। जी 10.13 नॉन करेंट एसेट रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नहीं है, ये मैंने भी आपको इसका फॉर्मेट दिखाया था ना, ये तो इसका एक फॉर्मेट, इसमें डबल एंट्री कहां बन रही है, जो सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, और ऐसी हमने कोई एंट्री भी नहीं बनाई कि जहां हमने लिखा हो कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर डेबिट कैश क्रेडिट या कुछ और क्रेडिट, ऐसा कोई नहीं है, तो इसमें तो सिर्फ क्या रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता। नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम, नो जरूरी नहीं है, आपकी नीड पर है, जरूरी नहीं, अच्छा हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, एसेट शुड बी रिमूव फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर व्हेन दे हैव बीन फुली डेप्रिशिएटेड, सही है, नो ये भी इनकरेक्ट हाँ, तो वर्डिंग पे गौर करें, वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, सुन लें, एसेट शुड बी रिमूव फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर व्हेन दे हैव बीन फुली डेप्रिशिएटेड, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर रखा हुआ है, 5 ईयर लाइफ है सपोज कर ले इसकी, 5 ईयर पूरे हो गए लेकिन ये यहीं पे रखा हुआ है, तो क्या अपने रिकॉर्ड से माइनस कर देंगे इसको, नो कब करेंगे, जब डिस्पोजल होगा, जब डिस्पोज करेंगे, जब तक ये डिस्पोज नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड से माइनस नहीं होगा, जब तक ये रखा हुआ है तो रिकॉर्ड में भी रहेगा, अब वो डेप्रिशिएट हो जाए कुछ भी हो जाए, रखा हुआ है तो रिकॉर्ड में भी मेंटेन करेंगे, जिस दिन ये डिस्पोज होगा उस दिन हम अपने रिकॉर्ड से माइनस करेंगे, हाँ डिस्पोजल अगर यहाँ वर्ड आ जाता ना फिर माइनस कर, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डेप्रिशिएट होने पे माइनस नहीं होता, डिस्पोजल के टाइम पे माइनस होता है, ठीक है राइट। और ये भी हो सकता है कि कोई एसेट है फुली डेप्रिशिएट हो गया लेकिन आपने उसको चेक किया फिजिकल इंस्पेक्शन, तो पता चला अभी भी 2 साल और यूज कर सकते हैं, तो क्या रिकॉर्ड से उसको रिमूव कर देंगे, एक एसेट की लाइफ है 5 ईयर, 5 ईयर पूरे हो गए, फुली डेप्रिशिएट हो गया, अब आपने एसेट को चेक किया इंस्पेक्शन किया तो पता चला अभी भी 2 साल और यूज कर सकते हैं, तो क्या उसको आप अपने रिकॉर्ड से रिमूव कर देंगे, नहीं ना, क्योंकि यूज हो रहा है, रखा हुआ है,
तो फुली डेप्रिशिएट होने पर रिमूव नहीं करते जब तक के वो डिस्पोज ना हो जाए, ठीक है। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द एसेट। अच्छा चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और है। अब एसेट की लाइफ है 5 ईयर, 5 ईयर पूरे हो गए, हमने एसेट को चेक किया तो पता चला अभी भी 2 साल और यूज कर सकते हैं। तो अब ये बताएंगे थर्ड और सिक्स और सेवेंथ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं होगा? नहीं चार्ज होगा, क्योंकि 5 साल में फुली डेप्रिशिएट हो गया। तो अगर आप सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर में भी चार्ज करेंगे तो उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। सही, सपोज 50,000 आपकी कॉस्ट है, 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन है, तो 5 ईयर का एक्युमुलेट कितना होगा? 50,000। अब आप 6 ईयर में यूज कर रहे हैं और अगर 6 ईयर का भी चार्ज करते हैं तो 60 हो जाएगा, 7th ईयर में 70 हो जाएगा, तो एक्युमुलेटेड कॉस्ट से एक्सीड कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। बस रिकॉर्ड में रखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे 50,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, और उसी को कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते रहेंगे। हाँ फिर बनेगी, तो फिर 5 साल बाद पता चला ना, पता ही चला 5 साल बाद फिर कैसे करेंगे? 5 सालों में तो चार्ज हो गया ना, काम हो गया। हर साल 10,000 आपने चार्ज कर दिए, 5 साल में पूरे चार्ज हो गए। अब 5 साल बाद पता चला 2 साल और यूज हो सकता है, आप क्या करेंगे? हाँ देगा, लेकिन कॉस्ट जीरो हो गई ना, ये तो बोनस है ना, बोनस हुआ ना इतना का कि 5 साल लाइफ थी, 2 साल और चल गया तो बोनस है, तो बोनस तो फ्री होता है जी। बोले हाँ, बोले फिर चेंज होगा, वो मैंने क्वेश्चन कराया उस हिसाब से, फिर वो रिवाइज वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर रिवाइज करके फिर उसको अगले 5-6 साल जो भी है उसमें डिप चार्ज करेंगे। लेकिन जब लाइफ पूरी हो गई उसके बाद पता चला फिर चार्ज। अच्छा अब इसी एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। एसेट की कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, 5 ईयर लाइफ है, ठीक है जी। 5 ईयर में हमने डेप्रिशिएट किया, खत्म। 5 ईयर के बाद पता चला कि अभी भी 2 साल और यूज उस कर सकते हैं, लेकिन 2 साल और यूज करने के बाद स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियल स्क्रैप वैल्यू क्या थी आपकी? 5,000, 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर यूज कर लिया, 5 ईयर के बाद पता चला कि अभी भी 2 साल और यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं होगा? लिख के बता देता हूँ। आपके एसेट की कॉस्ट है सपोज 55,000, इसकी वजह हाँ स्क्रैप वैल्यू है 5 ईयर लाइफ, 5 ईयर है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 5,000, ये हमारे इनिशियल एस्टिमेट हो गया। अच्छा आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, -5, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं अभी, ठीक है, कितना आएगा स्ट्रेट लाइन? 10,000 आ गया पर ईयर, ठीक है। अच्छा 10,000 पर ईयर हो गया, ठीक है। अच्छा अब 5 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड कितना बनेगा? 50,000 हो गया, ठीक है। क्या लिख दिया यार, इनटू 5 करेंगे तो 5 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000, ठीक। अच्छा 5 ईयर यूज करने के बाद, 5 ईयर यूज करने के बाद हमें पता चला कि एसेट अभी भी 2 साल और यूज हो सकता है, लेकिन 2 ईयर के बाद, मतलब 2 ईयर यूज होने के बाद स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। पांच साल के बाद क्या हो गया? स्क्रैप नहीं करेंगे उसको 5 साल बाद? हाँ दोबारा बोले, वही पूछ रहा, निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जी सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एसेट किसका है? एसेट किसका है?
बस तो फिर मेरी मर्जी है। देखें देखिए, फाइव ईयर में डेफिसिट कितने से हुआ? 50,000 से ना। कॉस्ट क्या थी? 5,000 बचे हैं ना अभी। अच्छा, अब हमें पता चला कि 2 साल और यूज होगा, सिक्स और सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर के एंड पे जब डिस्पोज करेंगे तो उस वक्त स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये डिस्कार्ड हो जाएगा स्क्रैप में। तो 5,000 जो बचे ना आपके अभी, 5,000 अपन 5,000 को हम 2 साल में डेफिशिएट कर देंगे ना, 2,500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये होगा 2,500। सर दोबारा समझाएं। हाँ, 2005, तो 7 ईयर के बाद एक्युमुलेटेड कितना हो जाएगा? एक्युमुलेटेड 55 हो जाएगा ना, ये हो कॉस्ट और स्क्रैप एक्युमुलेटेड बराबर हो गया, स्क्रैप वैल्यू जीरो हो गया। समझ आया पॉइंट? देखिए, 55,000 कॉस्ट थी, 5 ईयर में 50,000 से डेप्रिशिएट हुआ, 5,000 बची है ना अभी। अब हमें पता है कि 2 साल और यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 साल के बाद फिर जीरो हो जाएगी स्क्रैप। तो वो जो 5,000 बचे आपके, उसको 2 सालों में भाई डेप्रिशिएट कर दें, 2,500 2,500, तो 7 ईयर के एक्युमुलेटेड बना 55, अब जीरो हो गया, अब जीरो हो गया, खत्म। ये समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, पहले क्या था? अब इसको, हाँ, पहले हमने, मैंने कहा था कि कॉस्ट है आपकी 50,000, ये भी बता देता हूँ, स्क्रैप वैल्यू आपकी जीरो। अच्छा, इनिशियल स्क्रैप वैल्यू जीरो है, लाइफ 5 साल है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालता। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू आपके इनिशियली जीरो है, मान स्टार्टिंग में जीरो, डिवाइड बाय 5, 10,000 पर ईयर हो गया। अच्छा, अब 5 ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10 × 5, 50,000 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें 5 ईयर के बाद पता चला कि ये एसेट अभी 2 ईयर और यूज हो सकता है। ईयर 6, ईयर 7। अब ईयर 6 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? जी, ये जीरो होगा, और ईयर 7 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जीरो होगा। अब ये डिफरेंस याद रखिए, ठीक है, ये नोट कर लें ये पॉइंट, ठीक है। अगर स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता तो 6 7th ईयर में जीरो, और अगर चेंज होती है तो वही डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक। सब कुछ कर सकते हैं जो भी दिल चाहे, लेकिन क्वेश्चन को फॉलो करना है ना, तो क्वेश्चन आपको बताएगा क्या करना है, तो उसी को फॉलो करेंगे उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन और हो सकती है, कॉस्ट 55 है, स्क्रैप वैल्यू 5, लाइफ 5 ईयर, 5 ईयर यूज करने के बाद पता चला कि 2 ईयर और यूज हो सकता है, और उसके बाद भी स्क्रैप वैल्यू 5,000 ही रहेगी, 7 साल बाद भी स्क्रैप वैल्यू वही रहेगी, तो 6th और 7th ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? वो जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं हो रही आपकी, ये वाली सिचुएशन है। 5 साल यूज किया, 50,000 डेप्रिशिएट हो गया, अब हमने कहा 2 साल और यूज हो सकता है, लेकिन 2 साल यूज करने के बाद भी 5,000 में ही स्क्रैप हो, पहले भी 5,000 थी स्क्रैप, और अब भी हम कह रहे हैं 7 साल बाद भी 5,000 ही स्क्रैप है, तो फिर 6th और 7th ईयर में फिर जीरो जीरो हो जाएगा, सही। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 13, हमने कर लिया 14, 10.14, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, घर जाके भी रिपीट कर सकते हैं आप, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको। अरे क्या हो गया, ओके दी 14, व्हेन माइकल परचेज न्यू कार शूज टू ओल्ड। अच्छा, ये अब क्या हो गया, ट्रिप एक्सचेंज का क्वेश्चन है। Made the correct entry for part exchange value 35 in the non-current asset disposal account.
what other entries needed to complete double entry for part exchange value of 3500 जी एंट्री क्या होगी इसकी एक्सचेंज ऑफ नॉन करेंट एसेट की एंट्री पॉइंट थी मैंने आपको अरे याद तो नहीं होंगी पता है वो फोर एंट्रीज थी ठीक है अच्छा रिपीट कर देता हूँ डिस्पोजल क्या है इसकी एक्सचेंज में एंट्रीज क्या आती है पहले एंट्री होती है डिस्पोजल डेबिट और एसेट आपका क्रेडिट हो गया ठीक है और ये एंट्री बनती है हमारी किससे कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ठीक है सेकंड एंट्री हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है इसमें हम क्या लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एंट्री बनती है थर्ड एंट्री होती है फिर हमारी कैश पेमेंट की कैश पे करेंगे तो ऐसे डेबिट होगा और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा इसमें आपकी कैश पेमेंट आएगी ठीक है कैश पेमेंट इसके बाद फिर पार्ट एक्सचेंज की एंट्री बनती है ठीक है हाँ देखें सेल प्रोसीड की एंट्री हम बनाते हैं कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट ना सेल प्रोसीड जब होती है तो हम लिखते हैं कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट होता है ना यहाँ पे क्या आएगा सेल प्रोसीड ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए कैश नहीं मिल रहा एक्सचेंज में क्या होता है न्यू एसेट मिलता है ना तो फिर कैश को डेबिट करने के बजाय हम एसेट को डेबिट करते हैं एसेट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट ठीक है और ये एंट्री बनती है आपकी पेड इन अलाउंस से बनती है ठीक है सही तो यहाँ वो किस चीज की एंट्री पूछ रहा है अब यहाँ कौन सी एंट्री पूछ रहा है क्या लिखा व्हाट पार्ट एक्सचेंज वैल्यू यानी कि लास्ट वाली एंट्री पूछ रहा है आपसे ना पार्ट एक्सचेंज वैल्यू की ये एंट्री बनेगी एसेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्या कह रहे कि शी हैज मेड करेक्ट एंट्री फॉर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू इन नॉन करंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट यानी कि डिस्पोजल क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या होगा एसेट डेबिट हो जाएगा ना ठीक है तो एसेट डेबिट मतलब ए आंसर हो जाएगा डेबिट एंट्री इन मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट तो ए आंसर होगा इसका ठीक है ऑप्शन ए क्लियर अच्छा 15 आसान है होमवर्क में कीजिएगा और 16 बताए 10.16 रजिस्टर का पर्पस अच्छा A1 होगा नो लोन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता फिजिकल वेरिफिकेशन टू होगा क्योंकि इसमें लोकेशन का भी कॉलम होता है ना तो लोकेशन के कॉलम से आप उसको फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं लोकेशन पे जाके ना अच्छा जी क्वेश्चन तो सेकंड वाला तो सही हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है क्योंकि इसमें लोकेशन मेंशन होती है प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ये भी कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस का कॉलम भी होता है सही है तो 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा अच्छा ये बताएं लिख सकते हैं रेफरेंस में इसमें कॉलम होता है ना हाँ रेफरेंस में आप आ सकते हैं इनवॉइस नंबर रेफरेंस हो गया ठीक है इसमें क्या तीनों आ जाएंगे 1, 2, 3 ठीक है
प्रॉफिट लॉस का ये इजी आप लोग कर लीजिएगा, 19 एंट्री है देख लेते हैं। पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड नॉन करंट एसेट एंट्रीज इन हर जर्नल आर एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट। अच्छी एंट्री दी हुई है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय दिस एंट्री। ये हमने भी फोर एंट्रीज बनाई ना एक्सचेंज की, अब इसमें से बताने ये कौन सी एंट्री है, इन चार में से बताने कौन सी है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, नॉन करंट एसेट आपका क्रेडिट हो रहा है। डिस्पोजल डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट, तो कौन सी वाली, ये पहली वाली एंट्री है ना, ठीक है। तो पहले वाली एंट्री बना रहा है ये, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट हो रहा है। तो आंसर अब देखते हैं, कैश प्रोसीड नो, कैश पेमेंट नो, ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन ओल्ड नॉन करंट एसेट ऑन डिस्पोजल यस, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू नो, सी आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 12.20 बताएं, आसान है। प्रॉफिट लॉस निकालना है, कर लें कैलकुलेट। कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड माइनस, ओके अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ सी आंसर आएगा, मेंटेनेंस ओनली। देखें जब एक न्यू एसेट हम बाय करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट निकलती है टोटल कॉस्ट, उसमें आपकी परचेज प्राइस आती है, उसमें डिलीवरी कॉस्ट आएगी, इंस्टॉलेशन आती है, तो टोटल कॉस्ट निकलती है, मेंटेनेंस ऐड नहीं होती, ठीक है। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और फिर टोटल कॉस्ट हम अपने पास एसेट रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब डिलीवरी और इंस्टॉलेशन आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस है आपका 1,40,000, ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का यानी कि एक्यूमुलेटेड है 60,000, न्यू व्हीकल 30,000 की, डिस्पोजल कुछ नहीं है, reducing balance fully a depreciation in the year of acquisition and in the year of disposal, depreciation calculate karne hai sir ji bataye c अच्छा इसको आप देखें दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सर पॉलिसी क्या, फुल ईयर है ना, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। अच्छा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 140, एक्यूमुलेटेड कितना है 60,000। पहले हम जरा इसका ओल्ड अपने एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 131 ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ओल्ड एसेट की कॉस्ट है 1,40,000, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड 60,000 और मल्टीप्लाई करते हैं 25%, कितना आ रहा है। अच्छा ये तो ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन आ गया, अब न्यू एसेट है इसको भी दो तरह से करेंगे बताता। अच्छा न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है, 30,000। अच्छा न्यू एसेट का एक्यूमुलेटेड जीरो होगा और इसका 25%, 7,500 टोटल कर लें, 27,500, ठीक है। जिसको आपने अब ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, करना क्या है
आपने करना है क्या, आपने क्या करना है भाई बता देता हूँ। हाँ इसमें देखिए रिड्यूसिंग, इसमें डायरेक्ट आप क्या करें, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 140, न्यू एसेट है 30 का, 140 प्लस 30,000 तो 170,000, माइनस करें 60,000 और उसका 25%, तो वही आएगा 27,500, ठीक है। तो राइट अच्छा 132 132, ऊपर का आंसर क्या है? अच्छा ठीक है, क्लोथिंग बैलेंस निकालना था हमने, पकड़ लिया। अच्छा अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस कितना था ओपनिंग 60, इसमें ये करंट ईयर के ऐड कर लें तो बन जाएगा 87,500, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, बच गए 132। हाँ वो 60,000 में करंट ईयर के ऐड कर लेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा जी 132 नॉन करंट एसेट रजिस्टर है, ऑप्शन डिफरेंट है, सी सर, अच्छा बाकी सी सी ए तो नहीं होगा ना, ऑल्टरनेटिव नेम थोड़ी है, लिस्ट ऑफ फिजिकल नॉन करंट एसेट रादर देन वैल्यूज भी उसमें तो हम वैल्यूज भी तो लिखते हैं, शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस डी आंसर, मेंटेनेंस का शेड्यूल थोड़ी है डी। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नॉन करंट एसेट रजिस्टर की बुक वैल्यू इतनी है और ये लेजर की बुक वैल्यू दी हुई है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, व्हाट वुड बी द एक्सप्लेन, व्हाट वुड एक्सप्लेन द डिफरेंस इफ इट इज ड्यू टू डिस्पोज्ड एसेट नॉट हैव, अच्छा सेम वही है, तो इसमें बुक वैल्यू दी हुई है हमें तो हमने बुक वैल्यू माइनस करनी है, तो इसमें देखें डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000 का, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें बुक वैल्यू 10,000 आ रही है, तो ऑप्शन ए में बुक वैल्यू बताएं क्या होगी 20,000, तो ए आंसर नहीं होगा, बी में बुक वैल्यू 5,000 दी हुई है, लिखा हुआ है बुक वैल्यू 5,000, तो इसकी ये बी नहीं होगा, सी सी में बुक वैल्यू आएगी 20,000, हाँ तो 20,000 बुक वैल्यू बनेगी, 20,000 ये भी नहीं होगा, 10,000 चाहिए ना, डिफरेंस 10,000 है, नहीं ए आंसर है बल्कि 15,000 में सेल किया, 5,000 का प्रॉफिट है, तो बुक वैल्यू 10,000, 10,000 माइनस करेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे, ए आंसर। अच्छा इसमें ये है 134 135, ये हैंड आउट का वो एमसीक्यू 13-14 है, दोनों का आंसर डी है, ये कर लिया 36 हो गया, बीबीबी में ये वाला भी हो गया, एंट्री बनाई थी हमने पार्ट एक्शन, ये भी हो गया 37 38, आसान है ये भी हो गया, ये होमवर्क है, हाँ 141 या चाहिए डिफरेंट ही बताएं, 141
कहाँ लगा क्वेश्चन करना बैक में रखा इसको कहते व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर प्लांट इन द कंपनीज रिकॉर्ड किस अमाउंट से आपने प्लांट को कैपिटलाइज करना है यानी कि किस अमाउंट से उसको एसेट रिकॉर्ड करना है टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको ओके जी परचेज कितने में किया 48,000 में परचेज किया अब इसमें ऐड क्या किया होगा देखें डिलीवरी कॉस्ट आएगी अब वन ईयर वारंटी ये नहीं आएगी हाँ इसके बाद ये मॉडिफिकेशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग देखिए जी मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन है इनिशियल कॉस्ट याद है मेजरमेंट की लिखवा दी पूरी उसमें क्या था कि एसेट को परचेज करने से वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो नेसेसरी एक्सपेंस है वो सब ऐड होते हैं सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ठीक है तब देखिए फर्ज करें अपने इस रूम में मशीन को इंस्टॉल करना है और फर्ज करें ये पिलर बीच में आ रहा है तो उसको तोड़ेंगे आप फिर मशीन की मॉडिफिकेशन होगी ना या रूम थोड़ा आपके स्पेस कम है दीवार तोड़ के एक नई दीवार बना रहे हैं आप ठीक है तो मॉडिफिकेशन ठीक तो मॉडिफिकेशन भी इसलिए हो रही है ताकि आपका एसेट इंस्टॉल हो या कैसे गेट छोटा है मशीन बड़ी है बड़ा गेट लगाएंगे मॉडिफिकेशन ठीक तो ये ऐड हो जाए क्योंकि नेसेसरी है ना इसके बगैर क्या ओके ठीक है अच्छा